और बड़ी खबर का सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक से जुड़ी है बड़ी खबर। आपको बताते चले, पीएम ने नई सरकार के पहले 100 दिन एजेंडे पर चर्चा की। बैठक में अगले 5 साल के काम पर भी विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, बैठक के अंदर क्या रणनीति बनाई गई, क्या चर्चाएं हुई, ये बातें आपको बता रहे हैं। बैठक में आर्थिक विकास, ईज ऑफ लिविंग पर भी चर्चा की गई है। बैठक में विकसित भारत के रोड मैप पर भी बड़ी चर्चा हुई है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, मोदी सरकार के तीसरे टर्म के रणनीति पर भी चर्चा की गई है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे पर चर्चा की है। अगर दोबारा से सरकार बनती है बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होते हैं, तो जो अगला 100 दिन होगा वो कैसा रहने वाला है, इसी एजेंडे पर चर्चा की गई है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि 5 सालों के कामकाज पर विस्तार से चर्चा की गई है। जो कामकाज लोगों के लिए किए गए, उनका कितना फायदा लोगों तक पहुंचा, इसे लेकर खास चर्चा हुई। लालच बुरी बला है, लेकिन 299 रुपए में 20 लाख की गाड़ी मिलने की बात कान में जा रही हो तो दिल को समझाना मुश्किल हो जाता है। आम आदमी के दिल की इसी कमजोरी का नागौर के ठग फायदा उठा रहे हैं। जिले में लकी ड्रॉ के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। इस रिपोर्ट में देखें, 299 रुपए में 20 लाख की गाड़ी आज भगवान ने भेज दी है, इनकी ये दुर्दशा चल रही है। 299 रुपए में थार, सब्जबाग से कोई कैसे कर सकता है इनकार। तस्वीरें नागौर की हैं, जहां भजन संध्या के नाम पर ठगी का कारोबार चलाया जा रहा है। जी हां, जिले में भगवान और लोक देवता की भजन संध्या यानी कि जागरण के नाम पर लॉटरी का सट्टा चलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लॉटरी में महंगी महंगी कार और आईफोन जैसे प्रलोभन देकर करोड़ों की ठगी की जाती रही। पुलिस मानती है कि लकी ड्रॉ के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। नागौर जिले में जो अभी कुछ चरण में एक भजन संध्या के नाम पर लॉटरी, भजन संध्या के साथ साथ लॉटरी निकाल करके कुछ इनाम वितरित कर रहे थे। उन इनाम वितरित करने में काफी रुपए उन्होंने रसीदों के माध्यम से इकट्ठे किए, जिनकी कैलकुलेशन 1.5 करोड़ के करीब है। कुचेरा थाना क्षेत्र के ग्राम अड़वड़ में 29 फरवरी को राकेश झाबा नाम के आरोपी ने अपने खेत में भजन संध्या का आयोजन करवाया, जहां उसने लोगों से लकी ड्रॉ के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। पुलिस के मुताबिक राकेश झाबा अपने खेत में भजन संध्या और लकी ड्रॉ का आयोजन करवा रहा था। यहां उसने लोगों को कई तरह के इनाम का झांसा देकर 500-500 की रसीदें कटवाई और रुपए वसूल किए। इसकी सूचना जब पुलिस को मिली तो वो हरकत में आई, लेकिन जब तक वो मौके पर पहुंचती तब तक भजन संध्या समाप्त हो गई थी। हालांकि भजन संध्या के मंच से लकी ड्रॉ के इनामों की घोषणा की जा रही थी। मंच पर स्टील के 5 बर्तन रखे हुए थे, जिनमें अलग अलग नंबर लिखी हुई पीले रंग की गेंद थी। इन बर्तनों से गेंद को निकालकर इनाम की घोषणा की जा रही थी। वही मंच पर रसीद बुकों का ढेर भी लगा हुआ था। मौके पर करीब 2 से 3 हजार लोगों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन लकी ड्रॉ में ये गड़बड़ कर देते हैं। जो दावा ये करते हैं कि पहले स्थान पर जिसकी पर्ची निकलेगी, जिसकी रसीद निकलेगी, उसे थार गाड़ी दी जाएगी। वहां लोग थार का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन ये उस रसीद लेने के बाद उस लकी ड्रॉ में भी गड़बड़ करते हैं। एक ही सीरियल की कई रसीदें छपवा देते हैं और जो गाड़ी या जो इनाम निकलता है उस इनाम को भी खुद के पास रख लेते हैं। पुलिस को देखकर राकेश झाबा और वहां मौजूद लोग फरार हो गए। पुलिस ने मौके से 2462 रसीदें सहित कई सामान बरामद किया है। पुलिस ने लोगों से भी अपील करी है कि इन लोगों के झांसे में नहीं आए, ये शुद्ध रूप से चिट फंड है। लकी ड्रॉ पूरी तरीके से अवैध है। अगर कोई 500 रुपए की रसीद काट कर लकी ड्रॉ के नाम पर कोई दावा करता है तो इसकी सूचना पुलिस को दी जाए। खुद नागौर के एसपी नारायण टोबेस व डीएसपी ओम प्रकाश ने जनता से अपील करी है कि इन लोगों से बचे और इस तरह का मामला कहीं नजर आए तो पुलिस को सूचना दे। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जितने भी चिटफंड के बड़े कांड हुए हैं उन लोगों पर नागौर पुलिस नकेल कसेगी। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर। उधर अनूपगढ़ के रायसिंह नगर में शराब के नशे में एक कार सवार युवक ने पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की।
मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब के मालोट का रहने वाला है। गांव 75 एनपी के पास नशे में युवक कार चला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को भागते हुए दबोच लिया। और अब बात टंकी से न्याय की मांग की करेंगे। दौसा से ये बड़ी खबर है, सचिन शर्मा मौत प्रकरण मामले में इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। आखिरकार प्रशासन की समझाइश सफल रही। टंकी से मृतक सचिन की बहन अलका ताऊ महादेव शर्मा को टंकी से नीचे उतार लिया गया है। करीब चार घंटे बाद बसवा SDM रेखा मीणा, तहसीलदार अनु शर्मा ने वार्ता में CM रिलीफ फंड से मुआवजा, संविदा पर नौकरी का आश्वासन दिया। विधायक ने फोन पर CM स्पेशल आर्थिक पैकेज दिलाने का भी आश्वासन दिया है। टंकी से उतरकर मृतक सचिन की बहन और ताऊ की तबीयत बिगड़ गई। एम्बुलेंस से बसवा CHC में उपचार के लिए भेजा गया है, जहां पर इनका उपचार किया जा रहा है। प्रशासन ने यही आश्वासन दिया है कि जो CM रिलीफ फंड में जितनी मैक्सिमम सहायता हम दे सकते हैं पीड़ित परिवार को, उसके लिए प्रस्ताव भेजा जा चुका है और आगे भी बात हो गई है। विद इन 2 या 3 डेज उनको जो सहायता राशि है उनके ट्रांसफर हो जाएगी खाते में, और यही हम सहायता दे सकते हैं। अगर समय सील होती तो आज मुझे मेरी बेटी टंकी पे आके नहीं छड़ती, मेरी ये बस्ती नहीं आती और मुझे झूठा वासन दे करके लीपा पोती कर रहे हैं और बस कर कुछ भी नहीं किया, मुझे कोई वासन नहीं मिला। खबर कोटा से है, जहां पर पानी पूरी का ठेला लगाने वाले एक युवक ने जहर का सेवन कर मौत को गले लगा लिया। अचेत अवस्था में युवक को MBS अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल हनुमान नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और चिड़ावा पुलिस की सतर्कता से बैंक में लूट की एक बड़ी वारदात होने से पहले ही टल गई। DSP शिवरतन गोदारा ने बताया कि रिको एरिया चिड़ावा में 3 शातिर बदमाशों को डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार किया गया। 2 नाबालिग भी निरुद्ध किए गए। साथ ही उन्होंने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि चिड़ावा में रिको एरिया में दीपक ट्रेडर्स के सामने 4 दीवारी के अंदर बंद पड़े सुने मकानों के पीछे 4-5 लड़के चिड़ावा में स्टेशन रोड वाले SBI बैंक में डकैती करने की योजना बना रहे हैं। चिड़ावा थाना पुलिस ने चिड़ावा जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे 5 लड़कों को पंकज शर्मा उर्फ बाबा, ऋषि जाट, अजय उर्फ बाबा इंडस्ट्रियल एरिया से एक सुने मकान गैस गोडाउन में बैठ के डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा था। अधिकारियों के निर्देशन अनुसार वो तफ्तीश मेरे जुम्मे की गई है। उन लड़कों को मैंने आज चिड़ावा से लेकर के मजिस्ट्रेट साहब को पेश करके रिमांड लिया है 5 दिन का। और लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए, पेपर माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए SOP लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई के दौरान कई बड़े नामों का खुलासा भी हुआ और कई अभी भी फरार है। इस रिपोर्ट में
चेहरे हैं जिनको पकड़ा जाना बाकी है। और आने वाले टाइम में रोज एक कदम जो मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं और इनको कानूनी रूप से जो पब्लिक सर्वेंट इनके सहयोग में थे उनके विरुद्ध कानून के साथ साथ जो विभागीय कार्रवाई हो सकती है वो उसके तरफ से संपत्तियों को जो जब्ती कुर्की है वो करा के और हर तरह से इनको घेर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई हिम्मत करे नहीं। हालांकि पेपर माफियाओं का मुख्य सरगना यूनिक भांबू दुबई फरार हो चुका है, लेकिन एक नाम और सामने आया है जिसका नाम सुरेश ढाका है। राजस्थान पुलिस को एक साल बाद भी नहीं पता चल पाया कि सुरेश ढाका है कहां। वहीं ढाका पर 1,00,000 रुपए का नाम अभी भी रखा हुआ है। और बड़ी खबर हनुमानगढ़ से है। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के मामले में 11 सूत्रीय मांगों को पूरा होने पर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने हनुमानगढ़ जिले में सुखदेव सिंह के पैतृक गांव से जयपुर तक पैदल यात्रा शुरू की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।